शाम को लौट रहा हूँ काका। हाँ अरे काम हो गया? हाँ काका, जिस काम के लिए शहर में आया था वो तो 36 घंटे पहले ही हो गया। अरे भतीजे, कुछ माल वाल हाथ में आया या नहीं? अरे नहीं काका, इसी इंतजार में तो रुका था यहाँ पर। पर क्या करूं, अभी तक तो कोई पूछने तक नहीं आया। इतने बड़े साहित्यकार हो, अब तुम्हारे वहां आने की खबर लोगों को है या नहीं? है काका, यहाँ के 2 अखबारों में विस्तार से मेरा इंटरव्यू छपा है। अच्छा? मेरी 8 किताबों और 3 पुरस्कारों की चर्चा की है। अच्छा? फोटो भी छपवाया है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया भतीजे? तुम जहां भी जाते हो तुम्हारे सम्मान में कोई ना कोई आयोजन तो होता ही है। रेल की टिकट के अलावा ऊपर से कुछ कमाई भी हो जाती है, नहीं? बात तो सही है और हाथ में खुजली भी हो रही है, पर लगता है ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। पता नहीं यहाँ कोई कॉलेज या संस्था है भी या नहीं। अरे है क्यों नहीं, 5-5 कॉलेज है। अरे है तो फिर कोई आता क्यों नहीं है? अरे काका, लगता कोई आया है, फोन रखता हूँ। आइए गौतम जी, आइए आइए। आओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। नमस्कार सर। नमस्कार। हम लोग डीएवी कॉलेज से आए। अच्छा अच्छा, आइए आइए, बैठिए गौतम जी। आओ बच्चों, बैठिए, आ जाओ आ जाओ। कहिए जी, मैं कॉलेज के हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ और ये मेरे मित्र और ये छात्र। हमने आज सुबह ही समाचार पत्र में पढ़ा कि आप हमारे शहर में आए हुए हैं। वैसे तो मैं अपने व्यक्तिगत काम से आया था और चुपचाप निकल जाना चाहता था, लेकिन ये अखबार वाले न जाने कैसे सूंघ लिया इन लोगों ने। खैर कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जी जी, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान साहित्यकार हमारे शहर में आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपको अपने कॉलेज की तरफ से सम्मानित करें। हम इससे पहले भी कई साहित्यकारों को सम्मानित कर चुके हैं। जी जी, मगर हम तो जाने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए देखिए, ना नहीं कहिएगा सर, यहाँ सभी आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, सबका दिल टूट जाएगा सर। तो ठीक है, कर डालिए, शुभ काम है। कितने बजे आना होगा? शाम को ठीक 4 बजे हम आपको लेने आ जाएंगे। ठीक, मैं तैयार। अच्छा, ये जहाँ पर साहित्यिक किताबें पत्र पत्रिकाएं मिल जाती हैं? जी, आप सम्मान करवाने का कितना पैसा लेते हैं? साहित्यकार हूँ, दुकानदार नहीं हूँ यार। जो समझ में आए दे दीजिएगा। अच्छा, अब आज्ञा चाहेंगे, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर। जी क्या बात करते हैं, बच्चा है। अच्छा जी, चलो अच्छा। मैं बेहया हो गया हूँ, बिल्कुल बेशक की इस बात ने मेरी चमड़ी उधेड़ दी। बदनामी इस हद तक बढ़ चुकी है कि सम्मान करने वाला जानता है कि ये नीच सम्मान करवाने के भी पैसे लेगा। ए काका, मुझ जैसे साहित्यकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भतीजे, काका मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और बात कर रहे हो मरने की। अरे किसी समारोह में जाने का निमंत्रण स्वीकार करने से पहले ही अगर रुपए तय हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? अपमान है काका, अपमान। साहित्यकारों को लालची नहीं होना चाहिए। ठीक है, माना कि साहित्यकारों को लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदाजा तो होना चाहिए कि क्या मिलना है, कितना मिलना है। वो अंदाजा तो रहता है काका।
अंदाजा गलत निकला तो? ना 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 काका, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आयोजकों के चेहरे से, उनके व्यवहार से, उनके आवभगत से हिसाब लगाना शुरू कर देता हूँ। आवभगत से? हाँ, अब देखिए, अगर आवभगत जरूरत से ज्यादा होने लगे तो समझ लीजिए कि पैसे कम मिलेंगे। तब मैं मन ही मन सोचता हूँ कि भैया कुछ ज्यादा ही आवभगत कर रहे हो, मेरी घबराहट बढ़ रही है, तुम नॉर्मल हो जाओ तो मैं भी हो जाऊँ। लेखक का तो मन ही शंकालु होता है, शंका न करे तो लेखक कैसा? अच्छा, फिर तुम ये कैसे अंदाजा लगाते हो कि रुपए कितने मिले? नहीं, वो पता लग जाता है काका। कैसे? रुपए तो लिफाफे के अंदर होते हैं। अब देखिए, लिफाफा आयोजक के हाथ में आते ही सबसे पहले मैं इस पर गौर करता हूँ कि लिफाफा कितना मोटा है, और फिर उसे जेब में रख लेता हूँ, और तब जेब में हाथ डाल के उसे यूं गिनना शुरू करता हूँ। देखिए ऐसे। लेकिन लिफाफा तो गोंद से चिपका हुआ होता है। तो बाथरूम में जाके गिन लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। मान लो तुम बाथरूम में गए और रुपए कम निकले तो क्या करते हो? तब तो मैं तुरंत आयोजकों की बखिया उधेड़ देता हूँ, कहता हूँ कि ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ किसी को साहित्य और संस्कृति की कोई समझ ही नहीं है, इसे प्रगति करने में अभी 20-50 साल लगेंगे। और रुपए पूरे हुए तो? तब क्या दिक्कत है काका? तब तो मैं कहता हूं कि महानगर बाजार की चपेट में आ गया है, साहित्य और संस्कृति तो यहीं पर सुरक्षित है, ये इलाका बहुत प्रगति कर चुका है। भतीजे, तो जाओ जाओ, इस इलाके को और प्रगतिशील बनाओ। ठीक है। नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद वो डाक बंगले जाएंगे। अगर आप लोगों को उनसे बात करनी है तो आप वही डाक बंगले पे जाइए। ओके, चलिए 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 डाक बंगले पे जाइए। हाँ शर्मा जी, बैठिए बैठिए बैठिए। आपको जब कभी भी इस तरफ आना हो आप मुझे एक फोन कर दिया करें, आप जैसे लोगों को सम्मानित करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग यहाँ क्या आ गए? नहीं नहीं, डाक बंगले चलिए, आप डाक बंगले। डाक बंगले शर्मा जी को डाक बंगले। हाँ ये ठीक है, वही वही आइए, वही डाक बंगले आइए, डाक बंगले आइए, डाक बंगले आइए। आप चाहिए एक मिनट कुछ आप? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं रामकुमार जी को आपके पास भेजता हूँ। रामकुमार जी, ये कौन? हमारे कॉलेज के कैशियर हैं, लेन देन का काम वही देखते हैं, मैंने उन्हें सब समझा दिया, आप चिंता मत कर। ख्याल रखिएगा, आज शाम की ट्रेन है। भाई वाह शर्मा जी वाह, आज तो आपने सौंदर्य बोध पे जो कुछ बताया हम जीवन भर नहीं भूल सकते। हम साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आपकी किताब पढ़ चुके हैं, पर आपने जो आज कहा ये उससे भी आगे की बात है। आपको इस किताब का भाग दो लिखना चाहिए। दूसरा भाग? जी, जी। सिर्फ सौंदर्य बोध पे बातें करोगे? अभी तक मुद्रा का विमोचन तो हुआ नहीं। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ काका, रामकुमार अभी तक आए क्यों नहीं? ये रामकुमार जी अभी तक आए क्यों नहीं? जी आप बार बार उधर कहाँ देख रहे हैं? नहीं बात कुछ नहीं है, लेकिन रामकुमार जी नहीं आए। आ जाएंगे शर्मा जी, आ जाएंगे, आप बैठिए सही। आइए आइए। आदमी कैसे हैं ये रामकुमार?
बहुत ही भले, बहुत ही सज्जन, बस यूं समझ लीजिए कि कॉलेज वही चलाते हैं। अच्छा। शर्मा जी आप सोचने की नई दिशा देते हैं। अरे दिशा तो सही वो है जिससे रामकुमार जी को आना, नहीं बतानी मुझे कोई दिशा विशा, मत करें मेरी तारीफ। लेकिन ये सारा रामकुमार क्यों नहीं आया अभी तक? क्या कर रहे हो, गाली मत दो, इतने बड़े साहित्यकार हो तुम्हें शोभा नहीं देता। सही कह रहे हैं काका, मैं लोभी हो गया, साहित्यकार मेरे जैसे नहीं होते। अच्छा धिक्कार है मुझे, इतनी साला रामकुमार जी क्यों नहीं आया अभी तक। जी आ जाएंगे आ जाएंगे। वैसे आपकी ट्रेन कितने बजे की है? बहुत कम समय रह गया है। सामान तो बांध लिया ना आपने? हाँ लेकिन मैं रामकुमार जी को फोन लगाऊंगा। हाँ आप आइए, हाँ देख लीजिए बहुत कम समय रह गया है। जी जी 5:30 बजे की ट्रेन है मेरी, जल्दी कीजिए। हाँ भाई रामकुमार जी तो घर पे नहीं, उनकी बीवी कह रही है कि सुबह से निकले हैं और अभी तक लौटे नहीं। क्या बात कर रहे हैं, वो सुबह से गायब है? नहीं नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे, एक एक कप चाय हो जाएंगे। चाय पीते चाय पीते, लीजिए लीजिए शर्मा जी चाय लीजिए। लगता राम कुमार जी आ गए। सरिता जी हैं। शर्मा जी आप हैं हमारे कॉलेज की प्राध्यापिका सरिता जी। नमस्ते। लेकिन ये रामकुमार जी आ जाएंगे आ जाएंगे, आप चाय पीजिए ना। आइए सरिता जी आप आइए आइए आइए। बहुत ही सुंदर भाषण था आपका, मैं तो बस रो पड़ी। धन्यवाद जी। आप अपना फोन नंबर मुझे देंगे? सरिता जी रास्ते में आपको रामकुमार जी नजर आए क्या? नहीं तो आपका फोन नंबर। ये रामकुमार जी को दोबारा फोन लगाइए ना मोबाइल पे। जी शर्मा जी। शर्मा जी आप मुझे बता सकते हैं कि रसों में श्रृंगार को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? वो देखिए श्रृंगार में बता दो, कोई रस इस वक्त रामकुमार जी से श्रेष्ठ नहीं है। शर्मा जी साहित्य में आजकल अलंकार का प्रयोग क्यों कम होने लगा है? अलंकार? अरे कोई अलंकार इस वक्त रामकुमार जी से श्रेष्ठ नहीं है। शर्मा जी आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ आपको? तुम इस औरत से बातचीत क्यों नहीं करते? तुम तो कहते थे सुंदर और सुशील औरतों से बात करके ऊष्मा मिलती है। अरे इस वक्त विश्व सुंदरी भी रामकुमार जी से घटिया है, वो आ गए होते तुम रस ले लेके इससे बातें करते। करो उसे बुरा लग रहा है, उसका चेहरा देखो। देखिए मुझे क्षमा कीजिएगा, इतने कम समय में इतने गहन विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती ना। अब देखिए रामकुमार जी नहीं आया अभी तक और मेरे ट्रेन का समय हो रहा है, आप कुछ कीजिए ना। शर्मा जी एक मिनट के लिए आप उधर आएंगे? जी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी आइए जी। क्या बात? शर्मा जी मुझे लगता है रामकुमार जी आपके पैसे लेकर स्टेशन पर आएंगे शायद। उन्होंने आपसे ऐसा कहा था क्या? नहीं नहीं ऐसा उन्होंने कहा तो नहीं, तो पर अगर रामकुमार जी ना भी आए तो आप चिंता ना करें, हम आपका पैसा पीछे से भिजवा देंगे। हाँ जी। अरे शरद ऐसे चौंक क्यों रहे हो, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? अरे काका कहीं ये लोग भी मुझे टरका देने की योजना तो नहीं बना रहे हैं? एक बार मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका। क्या हुआ था? लखनऊ में गया था सेमिनार के लिए, 3 प्रोफेसर लोग मुझे छोड़ने आए थे स्टेशन पर। आइए आइए। आपका साथ बहुत अच्छा रहा शर्मा जी, और आपका भाषण तो बहुत ही अच्छा रहा, और पूरे स्टूडेंट ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया है। शर्मा जी आपकी गाड़ी जाने वाली है? जी गाड़ी जाने तो वाली है लेकिन वो। अरे शर्मा जी कोई दिक्कत है? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे पैसे। वो प्रिंसिपल साहब ने आपको नहीं दिए? नहीं मैं तो समझा आप लोग लेकर आएंगे। हम लोग? जी। अरे आप घबराइए मत, आपके पैसे घर पहुंचा दिए जाएंगे। अरे शर्मा जी गाड़ी छूट रही है, चलिए चलिए। अच्छा ठीक है, देखिए याद रखिएगा है। अरे बिल्कुल आपके पैसे पहुंचा दिए जाएंगे शर्मा जी। जैसे ही आपने बुलाया मैं हाजिर हो गया है। जी देखिए अब आप लोग की जिम्मेदारी है ये। ठीक है आप लोग याद करके पैसे भिजवा, कल ही पैसे आपके भिजवा दिए जाते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से जाइए। अलविदा शर्मा जी, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है मैं इंतजार करूंगा।
और वो पैसे मुझे आज तक नहीं मिले काका। शर्मा जी। जी शर्मा जी, क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी कीजिए, ट्रेन का टाइम हो रहा है। लेकिन राम कुमार जी, वो स्टेशन पर आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। काका क्या करूं? परेशान क्यों हो रहा है बेवकूफ? देख, पैसा ही तो जीवन में सब कुछ नहीं है। हाँ। 2000 लड़कों ने तुम्हारा भाषण सुना, उसमें से 50 भी बिगड़ गए तो तुम्हारा साहित्यिक जीवन तो सार्थक हो गया। अरे भाड़ में जाए लड़के, और भाड़ में जाए उनका जीवन, और ये साला रामकुमार अभी तक आया क्यों नहीं? सिर्फ 5 मिनट रह गए। रामकुमार जी, रामकुमार जी ने पहले ऐसे कभी नहीं किया। दूर दूर तक कुछ पता नहीं उनका। अब क्या करें? मैं बाहर जाकर देख के आऊं। हाँ देखो। पहले ये बताइए कि रामकुमार जी स्टेशन पर आएंगे किधर से? कभी इधर से आते हैं, कभी उधर से आते हैं। अरे कभी कभी तो रेल लाइन पकड़ के चले आते हैं। अजीब आदमी। आप ऐसा कीजिए, आप इधर जाके देखिए और आप उधर जाके देखिए। मैं रेल लाइन पर भी देख लेता हूं। हाँ हाँ, हर जगह देख लीजिए आप। तुम्हारे पैसे कहे, ये राम कुमार जी नहीं आने वाले। क्या काका? शर्मा जी, गाड़ी छूटने में आधा घंटे की देरी है। गगन जी, चलो आधा घंटा। शरद, छूटी आस मत लगाओ। गाड़ी 24 घंटे भी लेट हो जाए, तुम्हारे ये राम कुमार जी नहीं आने वाले। क्या काका? पिएंगे आप? जी नहीं। पी लीजिए शर्मा जी। नहीं, मुझे शुगर है। हाँ। दे 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 बाबा, राम के नाम पे दे, भगवान के नाम पे दे बाबा। क्या ध्यान से देख रहे हैं आप भिखारी को? आप लेखकों की नजर भी बहुत पैनी होती है। काका, अगर मेरी नजर पैनी होती तो इन सबों को पहचान न लेती है? भाई शर्मा जी, इसी तरह एक भिखारी को देख कर निराला जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, भिक्षुक। आप लोग भी इसी तरह से प्रेरणा लेते हैं ना? अरे मत दो मुझे प्रेरणा। काका कहीं ये सब मिलके मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? और ये साला रामकुमार अभी तक क्यों नहीं आया? रामकुमार जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे रामकुमार जी। पर आप लोग भाई वाह वाह वाह, वो कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रामकुमार जी आ गए। रामकुमार जी जी, माफ कीजिएगा, क्या स्कूटर पंचर हो गया, बनाया फिर पंचर हो गया। पैदल डाक बंगले पहुंचा, पता चला आप लोग चल चुके हैं। रिक्शा पकड़ी और फौरन दौड़ता दौड़ता हुआ यहाँ चलाया हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें माफी की क्या बात है। अरे शर्मा जी, आपकी बहुत बड़ाई हो रही है, आज का दिन हमारे कॉलेज के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, प्रिंसिपल साहब तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, और लड़कों का क्या कहें, इतने दीवाने। अगर आप इस इलाके से चुनाव लड़े तो फौरन जीत जाएं। शरद, ये रामकुमार अपने जेब में हाथ क्यों नहीं डाल रहा है? अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है काका। क्यों? उसका उपाय है मेरे। क्या उपाय है? देखिए रामकुमार जी, जी ये एक टिकट मंगवा दीजिएगा मेरे लिए। शर्मा जी क्या कह रहे हैं आप? प्रिंसिपल साहब ने एसी के टिकट का प्रबंध किया। गौतम जी आप ही। ओ, आपके नारे के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल ही गया था। लीजिए। देख कोई बात। शर्मा जी एक मिनट। हाँ हाँ, क्या बात? 5000। जी धन्यवाद। गौतम जी, ये शरद
पता चला लिफाफा कितना मोटा है। अब तो बाथरूम जाने की भी जरूरत नहीं है काका। काका चाय पी क्या? भाई मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक एक कप चाय हो जाए। लेकिन आपका शुगर शुगर अच्छा एक कप चाय में क्या हो जाएगा? आइए जगह आपको कैसी लगी शर्मा जी? जी बताइए ना शर्मा जी। भाई यहाँ के लोग काफी प्रबुद्ध हैं, काफी प्रगतिशील हैं। मैं देख रहा था कि लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। कुछ जगहों पे मेरा ये भी अनुभव रहा है कि मैं बस बोले जा रहा हूँ और कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ के लोग तो भाई सांस्कृतिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ए शरद वो ऊष्मा भाई वो महिला जो आई थी मेरे कमरे में क्या नाम था? जी सरिता जी वो भी कविता लिखती। जी 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 वो मेरा फोन नंबर मांग रही थी। आप ऐसा कीजिएगा कि मेरा कार्ड उन्हें दे दीजिएगा। जी ये उनसे कहिएगा कि ये रहा मेरा कार्ड। जी उनसे कहिएगा कि मुझे अपनी कुछ कविताएं भेज देंगी, मैं अपने संपादक मित्रों को दे दूंगा। सरिता जी बहुत खुश होंगी। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अरे काका रामकुमार जी आ गए हैं ना? सो तो है।